40 महीने पहले यानी कि करीब 3.25 साल पहले अगर किसी ने आपको ये कहा होता कि सूर्य कुमार यादव नाम का जो खिलाड़ी है वो भारतीय टीम का कप्तानी करेगा तो शायद आप हंस देते, मजाक उड़ाते, लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है। सूर्य कुमार यादव इस बार श्रीलंका पहुंचे हैं, लेकिन यह श्रीलंका दौरा उनके लिए खास है क्योंकि वो कप्तान के तौर पे इंडियन कप्तान के हैसियत से वो T20 टीम को लीड कर रहे हैं। 27 जुलाई से अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव की स्टोरी को देखें, इतनी प्रेरणादायक, इतनी इंस्पिरेशनल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने युवा खिलाड़ी हैं, खासकर वैसे खिलाड़ी जिनको मौके नहीं मिलते हैं, जिनको लगता है कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन बनाए हैं, हमने IPL में रन बनाए, हमें मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं। मार्च 2021 से पहले सूर्य कुमार यादव के साथ भी यही हो रहा था। कहता है कि वो हिम्मत नहीं अपनी छोड़ते हैं, अपने पे भरोसा नहीं छोड़ते हैं, और इसलिए सूर्य कुमार यादव न सिर्फ कामयाब बल्लेबाज है, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में कामयाब है, बेहद कामयाब है, जो उन्होंने अपनी ताकत को बैक किया है। मायूसियों को भी देखा उन्होंने, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में झेला उसको, लेकिन स्वीकार किया, उसके लिए उन्होंने रोना धोना नहीं मचाया, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज कहानी सूर्य कुमार यादव की। मार्च 2021 में एंट्री होती है सूर्य कुमार यादव की। 31 साल की उम्र में इस खिलाड़ी को मौका मिलता है, अगर आप देखा जाए डेब्यू करते हैं, ठीक है, इस उम्र में कोई डेब्यू नहीं करता है, अगर आप देखा जाए यहां पर सूर्या डेब्यू करते हैं और उनकी क्या एंट्री होती है, फिल्मी एंट्री, आते हैं दुनिया के सबसे धाकड़ गेंदबाजों से एक जेफ्रा आर्चर को सिक्स मारते हैं। सोचिए T20 क्रिकेट में अपने करियर का जो बंदा पहला मैच खेल रहा हो वो छक्का से, वो बात सिर्फ छक्के में की नहीं थी, बात थी इंटेंट की, बात थी नजरिए की। एक ऐसा खिलाड़ी जो 21 साल की उम्र से मुंबई के मैदानों में धक्के खाता हुआ फिर उसके बाद डेब्यू करता है मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में, वहां स्ट्रगल होता है, फिर वो रन बनाते हुए IPL में मुंबई इंडियंस में पहुंचता है, लेकिन वहां उसको मौके नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा, वो कोलकाता का रुख करता है KKR में, और वहीं पर एंट्री होती है उनके लाइफ में गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर की एंट्री से काफ़ी कुछ बदलता है सूर्य कुमार यादव की। देखा जाए 2014 की अगर हम बात करें तो वहां पर गौतम गंभीर की टीम के लिए उन्होंने 200 बनाए। 2014 में KKR ने ट्रॉफी जीती, 2015 में उन्हें उपकप्तानी की जिम्मेदारी गौतम गंभीर ने दिलाई। और गौतम गंभीर ने भी हाल में एक इंटरव्यू किया था 2024 IPL के दौरान, उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई एक अफसोस है तो सिर्फ यही अफसोस है कि उन्होंने सूर्य कुमार यादव का, उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। शायद अब गंभीर के पास मौका है भारतीय कोच के तौर पे, सूर्य कुमार यादव उनके कप्तान हैं, हो सकता है न सिर्फ सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर बुलंदियाँ हासिल करें बल्कि एक खुद के तौर पे भी एक अलग अपनी मिसाल कायम करें। लेकिन सूर्य कुमार यादव की ये जो कहानी है, उनके उत्कर्ष की जो कहानी है, सिर्फ उत्कर्ष की कहानी नहीं है, उतार और चढ़ाव का दौर रहा है, और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं यंगस्टर को सीखने की ज़रूरत है सूर्य कुमार यादव की कहानी से। जिस तरह से उन्होंने नाकामियों को झेला, जिस तरह से उन्हें इग्नोर किया गया चयनकर्ताओं के द्वारा, जिस तरह उन्हें इग्नोर किया गया कप्तानों के द्वारा, कोचेस के द्वारा, बिटर कभी नहीं। सूर्या की एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो आपको हमेशा एक मस्त मौला खिलाड़ी के तौर पे दिखाई देते हैं, हमेशा आपके साथ चुलबुला व्यवहार, हंसी मजाक करने वाले, ठीक है ना। हमने अलग अलग दौरों पर देखा, मैंने उनको अलग अलग दौरों पर देखा कि किस तरह से वो अपने साथी खिलाड़ियों से हो या परिवार से हो, उनका एक नेचर एक अलग है, एक खुलापन है, एक कहीं ना कहीं स्वीकारने की एक शक्ति है कि ठीक है मैं भले इंडियन क्रिकेटर हूँ लेकिन मैं एक आम इंसान ही हूँ। तो सूर्या से रिलेटेड मैं, आप मुझे जो लगता है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी सूर्य कुमार यादव के बारे में कि वनडे वर्ल्ड कप से पहले उनकी चर्चा हो रही थी और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था वेस्ट इंडीज़ में 2023 की बात थी कि भाई
आप इतना अच्छा रन करते हैं लेकिन वनडे में क्या हो जाता है। मुझे लगा कि वो नाराज़ होंगे लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने जवाब दिया था। आपका इतना T20 का है, आपका एक कॉन्फिडेंट दिखते हो, वनडे क्रिकेट में जब आप आते हो और इस तरह की सिचुएशन आती है, जो चीज़ें हुई आपको पता ही है, डज इट पुट यू अंडर प्रेशर या बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन कि सूर्य कुमार यादव नंबर T20 प्लेयर है, वाइड बॉल का है, मुझे करना ही है, मतलब क्या व्हाट्स रॉन्ग, या मतलब कैसे आप डील, मतलब सबके दिमाग में ये चलता है, ये चीज़ें हैं, रोहित कैसे आपसे बात किया है या राहुल क्या किए हैं या आपका क्या टेक्निकल एडज, उसके बारे में बताइए, क्योंकि एवरीबॉडी थिंक्स कि भाई वर्ल्ड कप के लिए जिस तरह हमारा मिडिल ऑर्डर है यू शुड बी देयर। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से तो मुझे पता है मेरे वनडे के नंबर्स बिल्कुल ख़राब है और इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने में क्योंकि सबको पता ही है, सब लोग, हम लोग बात करते हैं ऑनेस्टी की, तो आपको ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, बट आप कैसे उसको और बेटर कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो रोहित ने और राहुल सर ने मुझे वही बोला है कि आई थिंक ये एक फॉर्मेट है जो आप ज़्यादा खेलते नहीं हो, आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेने के बाद आप लास्ट 15 ओवर 10 ओवर में अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आप खुद ही सोचो आप क्या कर सकते हो टीम के लिए, हमें इतना चाहिए कि आप बस अंदर जाके 45-50 बॉल खेल रहे हो, ये टीम मैनेजमेंट का साइन है, सिग्नल उन्होंने दिया हुआ है, अब आप अपने हिसाब से अपना गेम कैसे खेलना चाहते हो वनडे क्रिकेट में आप खेलो, बट हमको चाहिए कि आप 45-50 बॉल खेलने चाहिए अगर आपकी बैटिंग लास्ट 15-18 ओवर में आ रही है। तो अब वो मेरे हाथ में है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है और कैसे जो टीम रिक्वायरमेंट है वो टीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग करना है। सूर्य कुमार यादव से मेरी खुद की निजी यादें जुड़ी हुई हैं, जब इंग्लैंड में उन्होंने, मुझे याद है जुलाई 2022 में गए, जो उन्होंने 100 किया T20 में, क्या 117 रनों की उन्होंने पारी खेली थी अकेले दम पे, इतना बड़ा चेस था इंग्लैंड का 216 का, उसको अकेले दम पे उन्होंने पूरा किया था, कोई दूसरा बल्लेबाज जो है 30 रन क्रॉस नहीं कर पाया था, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने किए थे कितने रन, 117। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, बड़ा मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनके साथ हमने तस्वीरें भी ली थी और बड़ी आपको पॉजिटिव एनर्जी सूर्य कुमार यादव देते हैं। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका में ऑब्वियस सी बात है पर्थ में जो उन्होंने 50 की वर्ल्ड कप के दौरान, वो भले इंडिया टूर्नामेंट जीत नहीं पाई लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वहीं पर नंबर वन का खिताब जीता, वो वर्ल्ड के नंबर वन बने T20 में, उन्होंने अपनी धाक जमाई, सो मच सो दैट अगर आप देखा जाए रोहित शर्मा से जब हमने एक बार सवाल पूछा था कि भाई क्या बेस्ट, मतलब अगर जो शॉट है स्कूप तो किसका, तो उन्होंने किसका नाम लिया था, स्कूप शॉट, स्कूप पीछे अपना हीरो यार स्काई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उसने मारा है यार वो शॉट, मतलब वो बैठता नहीं है नीचे मारने के लिए, वो खड़े खड़े ऐसा मार देता है, तो बहुत रेयर नहीं, कोई नहीं है पूरे हिस्ट्री में जो खड़े खड़े ऐसे पीछे मारता हो यार, ये पहली बार मैंने देखा है कि ये प्लेयर यू नो अच्छे बॉल को, बीच का बॉल जो होता है, जो बॉलर का गुड लेंथ होता है और बॉलर 90% ऑफ द टाइम वहाँ पर डालने की बात करता है या सोचता है, और उस बॉल को ऐसा उठा के पीछे मारना वो पेस पे 135-140 के स्पीड पे। रोहित ही नहीं, अगर देखा जाए उस टीम के, मौजूदा टीम के जितने खिलाड़ी हैं, एक ऐसा खिलाड़ी, करंट खिलाड़ी जिसको आपको लगता है कि इसको मैं चैलेंज करूं और इसका विकेट ले लूं अपनी टीम में, किसी भी टीम का, अपनी या सूर्या भाई, सूर्या, आई मीन सूर्या भाई बेस्ट प्लेयर हैं स्पिनर्स के, और अगर आप अच्छे प्लेयर को आउट करते तो आपको बड़ा मजा आता है, तो मेरे हिसाब से वो चूज करना पड़े ईशान किशन को अपनी टीम में, सूर्य कुमार यादव और एबी डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव, वो जो हैं सूर्या के मुरीद हैं, उनके मैन मैनेजमेंट के मुरीद हैं, उनकी शख्सियत के मुरीद हैं। रोज ऐसा नहीं होता है कि विराट कोहली मैच चल रहा हो, देख रहे हो और ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके बारे में कहा कि भाई वीडियो गेम जिस तरह से आप खेलते हो, ये क्या वीडियो गेम वाली बात क्या होती है, मतलब समझ में नहीं आया, बताएं। अभी रिसेंटली कुछ गेम्स हम लोग खेले हैं साथ में, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स की है, तो बहुत अच्छा मजा आता है मेरे को उनके साथ बैटिंग करने के लिए। एक चीज है, भागना बहुत पड़ता है क्योंकि इतने सुपर फिट है वो, बट एट द सेम टाइम हम लोग जब अंदर होते हैं हम लोग ज़्यादा गेम के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम लोग को पता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपने गेम के बारे में, कौन कैसा खेल रहा है, तो वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, मैं उनको ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, बस मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ उनको कि आप एक साइड से खेलते रहिए, तो मैं एक साइड से अपना बैटिंग जो है वो मैं करते रहूँगा, और वो बिल्कुल मुझे कुछ बोलते नहीं है अलग,
बैटिंग करने के लिए वो बोलते हैं जैसा खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेल और एंजॉय कर अपना गेम। इसमें इसी का वो क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने मिसअंडरस्टूड किए थे, वो बेसिकली वो कहना चाह रहे थे जो आज आप बैटिंग जो की वो वीडियो गेम की तरह बैटिंग किए हैं उसके बारे में। उसको तो मैं सर एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा लूंगा और ट्राई करूंगा मैं और कैसे अच्छा कर सकूं परफेक्ट। और इसलिए जब गौतम गंभीर ने और अजीत अगरकर ने ये फैसला लिया कि सूर्या कप्तान बनाएंगे तो ड्रेसिंग रूम से फीडबैक लिया गया था, और कहीं ना कहीं सूर्या का जो व्यवहार है, जो साथी खिलाड़ियों से जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, उसकी एक बड़ी अहम भूमिका रही। कहा यह भी जाता है कि साउथ अफ्रीका के दौरान जब ईशान किशन वापस आ रहे थे तो उस समय भी सूर्य कुमार यादव ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि आप रुक जाइए, मुंबई इंडियंस के उनके साथी रहे हैं। वो नहीं रुके अलग बात है, लेकिन सूर्या ने जिस तरह से अटेम्प्ट लिया उसको भी बीसीसीआई के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इग्नोर नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने अपने रोल के बारे में अभी अक्सर बात की है कि भाई T20 क्रिकेट में अगर उनका रोल क्या रहेगा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कप्तान बनने के बाद सूर्य कुमार की सोच अप्रोच में बदलाव आता है। बहरहाल इन तमाम बातों के बीच में अगर मुझे अगर निजी तौर पर सूर्य कुमार यादव से उनके खेल, उनकी करश्माई पारियों, इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर कोई बात जो मेरे जहन में हमेशा कैद हो गई वो था न्यूजीलैंड दौरा, मुझे याद है क्राइस्टचर्च में, और एक छोटा सा बच्चा, भारतीय बच्चा, गुजराती बच्चा आया था उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी हमसे कि भाई हम सूर्या दादा के लिए आए हैं मिलने के लिए। और मैंने जाके उनसे सूर्या, नॉर्मली मैं कभी किसी खिलाड़ी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन उस बच्चे का रिक्वेस्ट देकर मैं दिल पसीज गया था। मैंने सूर्या को कहा कि अगर सूर्या भाई अगर आप मिल लेंगे तो बड़ी खुशी होगी, तो जो नज़ारा था आप देखें, बड़ी आपको भी बड़ी खुशी होगी। बोलूं डाइन हैक फैन, ही इज नॉट इम्प्रेस ऑफ एनीथिंग, ही नॉट इम्प्रेस ऑफ एनीबॉडी, ओनली यू इन क्रिकेट। एंड ही चेज्ड मी कि भाई मेरे को, मैंने बोला मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं। मेरा बेटा सूर्या का बहुत बड़ा बैनर लिखा है, कल बैनर दिखेगा। ओमू व्हाट व्हाट डू यू रॉट आस Surya has to shine tomorrow. Yes, yes, yeah. Thank you, bhai. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you, Vimal bhai. तो ये हमारा एक प्रयास था सूर्य कुमार यादव की जो एक जर्नी है, उनकी जो पर्सनालिटी है उसको कैप्चर करके आपके सामने प्रस्तुत करने की। आप बताइएगा, हम नए नए प्रयास कर रहे हैं और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग का सहयोग मिल रहा है, आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, आप लोग हमें लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो यही चाहूँगा, फिलहाल बहुत जल्द मुलाकात हो रही है श्रीलंका में आप लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया।